किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मंत्री सरकार मुर्दाबाद, संसद डाला मुर्दाबाद, किसान का प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा भाई सारा जिंदाबाद। उपस्थित समस्त हमारे नेतागण, सभी खाप के प्रतिनिधि, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो और बहुत बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहने आई है, जो प्यार का जहाँ आशीर्वाद मिल जाए वो आंदोलन को जीत लिया जाता है, केवल घोषणा बाकी होती है। ऐसी मेरी माताओं बहनों को भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। और मेरे सामने बैठे किसान बिरादरी के सरदारों और युवा साथियों, केवल दो तीन बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 16 मई को जो यहाँ की प्रशासन ने जो सरकार के इशारे पर किसानों को पत्थर बरसाए, उसके बाद लाठी डंडे मारे, प्लास्टिक की गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जो छोटी हुए मेरे बुजुर्ग और जितनी मेरी माताएं बहने और युवा साथी हैं, एक बार उनके संघर्ष को मैं नमन करता हूँ, जो अपने इस आंदोलन को एक नई ताकत देने का काम किया है। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद है। जो लोग ये कह रहे थे कि आंदोलन कमजोर हो गया, आज उनको अपनी आंख और कान खोल करके हिसार की तरफ हाथ उठा करके देख लेना चाहिए। आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। और साथियों, मैं ये क्योंकि एक तरफ जो हमारे नेता गए वो बातचीत कर रहे और दूसरी तरफ मेरी सबको ये अपील है कि जो यहाँ आज आप देखिए, ये आपकी ताकत है कि हरियाणा की पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ और दूसरे राज्यों की फोर्सेस भी बुलाई गई है, लेकिन किसान न लाठी से डरने वाला है, न डंडों से डरने वाला है, न मुकदमों से डरने वाला है, ना जेल से डरने वाला है। हम कट तो सकते हैं लेकिन पीछे नहीं देंगे। और मैं धंधे से उठा करके और सत्ता के ऊपर बैठाया, अगर ये एंकर चला, ये गुंडागर्दी चली, तो फिर हम खट्टर को कुर्सी से उतार करके मिट्टी में मिलाने का काम नहीं करेंगे। साथियों, अभियान चलाना पड़ेगा। आज हमने आंदोलन की ताकत है जो सबके सिर जोड़ने का काम किया है। जैसे मोदी कहा करता था कि फलानी पार्टी मुक्त भारत अभियान होना चाहिए, अब तो मुझे लगता है कि भाजपा मुक्त भारत का अभियान भी देश के अंदर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए और उसके बाद हमारे साथ धोखा हुआ, क्योंकि सच बोल करके तो हम गर्दन भी उतरवा सकते हैं, लेकिन धोखा देने वाले को हमने कभी आज तक माफ नहीं किया, ये भी हमारा। और यहाँ के प्रशासन ने क्या किया, हमें धोखा दिया। अंत में मेरी सबसे ये अपील और प्रार्थना है, ये आंदोलन केवल 3 कानूनों के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन केवल एमएसपी के कानून के लिए नहीं है, ये आंदोलन अब आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और सारे तैयारी करो, पूरी ताकत से इस आंदोलन में जुटो। अब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं, ये आंदोलन हिंदुस्तान को सोने का शेर भी बना सकता है, इतनी ताकत हमारे अंदर है। मेरी अंत में सबको अपील है, सब शांति भी बना करके रखें, जो हमारे नेता आदेश करें उसके अनुसार चलें, क्योंकि ये सिर जोड़ने की लड़ाई है, सिर फोड़ने की लड़ाई नहीं है, और ये हथियारों से लड़ने वाली लड़ाई नहीं है, ये हौसलों से लड़ने वाली लड़ाई है, जिसको हम मिलकर के लड़ेंगे। और मैं पुनः, जो आज आपने इतिहास बनाने का काम किया है,
और जो अगला फैसला लिया जाएगा उसके ऊपर सारे मिलकर के ताकत लगाएं कि हमारे सर धड़की बाजी का आंदोलन है, ये हमारे सर धड़की बाजी का आंदोलन है, जिसे जीत करके ही हम घर लौटेंगे, उसी में घर वापस ले जाएंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मेरे साथ एक नारा लगा दो, मैं बोलूंगा ना धर्म का ना साइंस का, आपने बोलना है मोदी है रिलायंस का। ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है।